हेलो फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अनादर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एपेडिमियोलॉजी यूनिट दैट इज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स दिस इज़ यूजअली नॉट आस्ड एज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बट आ शॉर्ट नोट वी कैन गेट ऑफ एन ऑन दिस टॉपिक सो लेट्स डू दिस सो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज़ नॉट अ अनदर टाइप ऑफ एपिनोलोलॉजिकल स्टडी बट इट इज रादर असेसमेंट मेथड कि हमने कोई ट्रीटमेंट दिया एंड इज़ इट सक्सेसफुल और नॉट उस चीज़ को हम असेस कर रहे हैं Through an epidemiological experiment, and that is what is known as an RCT or randomized controlled trial. So it is a method of assessment, which is an epidemiological experiment. Now, why it is so called? Because here the patient here the patients or the participants are randomly allocated in one of the two groups, and then we see whether the intervention that we are giving is is making any change or not. Like we have two groups. और एक में हम अपना इंटरवेंशन जो हमारी नई दवाई है वो हम देंगे और दूसरे में जो पुराना ट्रीटमेंट चल रहा था वही देंगे फिर हम दोनों ग्रुप्स में चेक करेंगे कि ट्रीटमेंट किस में बेटर हुआ मतलब रिजल्ट आउटकम किस में बेटर आया तो अगर जिसमें हमने ट्रीटमेंट दिया था अपनी नया इंटरवेंशन का उसमें आउटकम बेटर आया तो यानी हमारी ड्रग अच्छी है और अगर दोनों में एक जैसा आया तो यानी हमारी ड्रग ने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया और अगर जो पहले वाले ट्रीटमेंट उसमें ज़्यादा बेटर आया तो यानी कि पहले वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर है हमारी ड्रग जो हमारा इंटरवेंशन है वो इतना काबिल नहीं है और इन दोनों ग्रुप्स तो तो में हम कुछ सोच के नहीं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम रैंडमली एलोकेट कर रहे हैं एंड दैट इज वॉट फॉर्म द कोर ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दैट इज रैंडमाइजेशन सो ये रैंडमाइजेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पेशेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड इन स्टडी ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे रिसीव और डो नॉट रिसीव द इंटरवेंशन ना वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टडी इट इज टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग और अ न्यू रेजीम और अ थेरेपेटिक प्रोसीजर और अ सर्जिकल प्रोसीजर तो किसी भी तरह से नया जो ट्रीटमेंट फॉर्म आया है उसकी हम एफिकेसी को चेक करने के लिए जब करते हैं तो उसको आर सी टी कहते हैं अब इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं फैला है ड्रॉइंग अप ड्रॉइंग अप ऑफ अ प्रोटोकॉल जो कि सब में करते हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई फॉलोइंग बेसिक इन्फो बिफोर स्टार्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट इज वट आर योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेकेंड व्हाट इज योर क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन थर्ड सैम्पल साइज फोर्थ इंटरवेंशन वट इज़ द इंटरवेंशन एंड फिफ्थ इज पेशेंट कॉपरेशन की पेशेंट कॉपरेट करेगा कि नहीं उस चीज़ के साथ फिर आता है सेलेक्टिंग द रेफरेंस एंड द एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन सो रेफरेंस पॉपुलेशन इज अ टारगेट पॉपुलेशन टू विच द रिजल्ट इफ़ फाउंड टू भी सक्सेसफुल आर एप्लीकेबल मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके जो रिजल्ट हैं वो किस पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे उस पॉपुलेशन को हम रेफरेंस पॉपुलेशन कहते हैं तो ये दोनों चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ती है फिर आता है रैंडमाइजेशन जिसको हम कहते हैं कोर ऑफ हार्ट ऑफ द ट्रायल इसमें सिलेक्शन हम करते हैं स्टडी ग्रुप्स का और कंट्रोल ग्रुप्स का कि हम किस को इंटरवेंशन ग्रुप में डालेंगे और किस को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालेंगे ठीक है इट एलिमिनेट्स द बायस एंड अलाउज द कंपेरेबिलिटी देन कम्स मैनिपुलेशन इंटरवेंशन दे दिया वो इंटरवेंशन फिर फॉलो अप करेंगे सो पीरियॉडिक एंड रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स एट डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम फ्रेम इज रिक्वायर्ड एंड देन यू हैव टू फाइनली असेस द एसेसमेंट इज टू भी डन दैट इज़ फाइनल स्टेप एंड इट मे बी पॉजिटिव और इट मे भी नेगेटिव सो रिमेंबर वन थिंग इन एनी टाइप ऑफ एपिटमोलॉजिकल स्टडी नो रिजल्ट इज ऑल्सो अ रिजल्ट सो इट कैन बी एनी थिंग So first step was draw drawing up of a protocol, second selecting reference and the target or the experimental population, third randomization, fourth manipulation or intervention, fifth follow up and sixth is assessments. So to summarize here, what you do, you did, uh, you selected a suitable population, reference or target population, then selected a suitable sample out of it on the that forms the experimental or study population. देन यू हैव टू मेक नेसेसरी एक्सक्लूजन्स कि किसको रखना है अपने स्टडी में किसको नहीं फिर आपका एक हो जाएगा दोस्त हु आर नॉट एलिजिबल एंड दोस्त हु आर गिविंग द कंसेंट हु पार्टिसिपेट इन द स्टडी अब जिन्होंने कंसेंट दे दिया आप उनको रैंडमाइज कर दोगे एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और एक को कंट्रोल ग्रुप में फिर मैनिपलेसन और फॉलोअप करके फिर असमेंट करोगे इस तरह से एडवांटेज क्या हुआ एडवांटेज ये हुआ कि आपने सिलेक्शन बायस हटा दिया आपका बायस नहीं था कि इसको किस में रखेंगे किस ग्रुप में डालेंगे आपने रैंडमली एलोकेट दिया फिर डबल ब्लाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन बायस हट जाता है आई मतलब इन्वेस्टिगेशन बायस हट जाता है कि मतलब डॉक्टर भी ब्लाइंड है और पेशेंट भी ब्लाइंड है कि मतलब ना मुझे पता है कि कौन सा पेशेंट में किस ग्रुप में डालूंगा ना पेशेंट को पता है कि वो किस ग्रुप में जाएगा ठीक है तो ये हो जाता है डबल ब्लाइंडिंग अगर जो एलोकेट कर रहा है उससे भी नहीं पता है तो ट्रिपल ब्लाइंडिंग हो जाएगा फिर और क्योंकि इसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि द बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द इंटरवेंशन एंड द कंट्रोल ग्रुप रिमेन्स द सेम ठीक है इसका एप्लीकेशन क्या है इट इज़ यूज्ड टू इवेलुएट द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स प्रिवेंटिव ट्रायल रिस्क फैक्टर ट्रायल्स सेशन एक्सपेरिमेंट ट्रायल ऑफ एटोलॉजिकल एजेंट्स एंड इवेलुएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज तो इन सब जैसे हम प्रिवेंटिव ट्रायल की बात करें तो अगर मान लीजिए हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं और देख रहे हैं कि मतलब दो हमारे पास ग्रुप्स हैं एक हाइपर मतलब तो हाइपर जिन लोगों को है उनका एक स्टडी ग्रुप है अब उसमें हमने दो ग्रुप बना दिया रैंडमली एलोकेट कर दिया एक ग्रुप को हमने एजुकेशन दिया अबाउट हाइपर दूसरे ग्रुप को नहीं दिया और फिर हमने चेक किया कि इनको हम एजुकेशन दे रहे थे उनमें इम्प्रूवमेंट आया हाइपर के मैनेजमेंट में कि नहीं आया और जिनको नहीं दे रहे थे उनके में क्या रिजल्ट रहा तो ये हो गया प्रिवेंटिव ट्रायल अगर आप कोई क्लिनिकल ड्रग्स दे रहे हैं तो क्लिनिकल ट्रायल हो जाएगा आप किसी रिस्क फैक्टर को असेस कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर से उसका एक्सपोजर होने देंगे और दूसरे वाले को बचाएंगे तो वो रिस्क फैक्टर ट्रायल हो जाएगा सेशन एक्सपेरिमेंट में हम एक ड्रग को रोक के देखते हैं कि इसको रोकने से क्या असर आएगा ट्रायल ऑफ इटोलॉजिकल एजेंट आप कुछ एजेंट को यूज़ करके फिर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो जाएगा और फिर हेल्थ सर्विसेज़ को भी हम इवेलुएट इस तरीके से कर सकते हैं कि जहाँ पर ये हेल्थ सर्विस चली वहाँ पर क्या हेल्थ रिजल्ट आया हेल्थ आउटकम आया और जहाँ नहीं चली वहाँ पर क्या आया तो इस तरह से इसके खूब सारे टाइप्स हो गए सो यू कैन गेट अ शॉर्ट नोट ऑन रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल वेर यू नीड टू राइट दिस स्टेप्स एंड दिस फ्लो चार्ट दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सो